जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैमा सादात के बाहर, और आपको बताता चलूँ कि नौवीं मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी जुलूस आज सुबह पांडू स्ट्रीट कृष्ण नगर से बरामद हुआ, वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ एजी ऑफिस सेक्रेटेरिएट एजी ऑफिस चौक में नमाज मगरबैन अदा की गई। आपको बताता चलूँ कि पिछले सालों में जो नमाज थी वो अनारकली बिलमुकाबल आई जी पंजाब ऑफिस अदा की जाती थी, क्योंकि जुलूस आज कुछ जल्दी यहाँ पर पहुँचा तो इसी हवाले से नमाज जो है वो एजी ऑफिस के सामने अदा कर दी गई। और मैं जो कि इस वक्त खैमा सादात के बाहर मौजूद हूँ, और जो मरकजी जुलूस नौवीं मुहर्रम का बरामद हुआ था वो यहाँ पर पहुँच चुका है, और यहाँ से अब जुलूस जो है वही अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस पांडू स्ट्रीट जाकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, तमाम रास्तों पर तीन लेयर सिक्योरिटी के बाद ही किसी को जुलूस के अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है, और पुलिस के तमाम अफसरान यहाँ पर खुद मौजूद हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ विजिट करके गए हैं, और इसी तरह डिविजनल SP साहिबान भी यहाँ पर इसी तरह से चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि तमाम आज़ादारों को जुलूस के अंदर आने के लिए पहले चेक किया जाता है और उसके बाद ही अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा मजमा है खैमा सादात, चूँकि जुलूस अब पहुँच चुका है तो इस हवाले से अब यहाँ से जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस पांडू स्ट्रीट जब पहुँचेगा वहाँ पर जाके जो है जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। जी